बता दीजिएगा कि आंचल विश्वकर्मा के भाई हैं, ए चाचा हैं। सो दोस्तों नमस्कार, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आज आए हैं रागिनी विश्वकर्मा के घर पर। और दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम चाचा जी के साथ में हैं जो कि रागिनी विश्वकर्मा के पिताजी हैं। और पहले भी मैं आया था इधर और वीडियो बनाया था, और आज भी आया हूं, तो रागिनी विश्वकर्मा आज भी नहीं है और नन्ही मुन्नी जो बच्ची थी आंचल वो भी नहीं है। तो चाचा जी कुछ बताइए अपने बारे में, जैसे कि हम तो वही बताएंगे कि पब्लिक को हमको मोहब्बत मिला है, पब्लिक ने जो है कि हमको इज्जत दिया है, अब वही जो है कि हमको मिला है। देखिए सच्चाई वही चीज़ होता है कि कोई नहीं पाता है, लेकिन जिसको लिए जो है मोहब्बत प्रेम बैठ जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई। और अभी देखिए जितना दर्शक लोग हैं यूट्यूब के चैनल यूट्यूब के माध्यम से आगे बढ़े हैं, हम तो वही कहेंगे कि देखिए यहाँ पर बहुत से लोग गाने बजाने वाले हैं, लेकिन रागिनी विश्वकर्मा को जो कि हमारे बिरादर में कोई जोड़ देने वाला नहीं। अच्छा जी बताइए, आप विश्वकर्मा हैं तो मतलब विश्वकर्मा कौन से विश्वकर्मा है ऐसे? हम विश्वकर्मा जो कि बढ़ई है, बढ़ई वाले विश्वकर्मा, विश्वकर्मा बढ़ई वाले हैं, लकड़ी काटने वाले, लकड़ी बनाते थे पुरनिया लोग। लेकिन जो है कि हम लोग का बस ये कलाकारी निकल गया, तो हम लोग जो है कि हम लोग का जो है कि सब कहते हैं ये है वो है, लेकिन हमारा जो पुरानी सच्चाई था वो अपना सच्चाई को हम लिख कर सारी दुनिया को बता दिए। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि चाचा ने सच्चाई बताया है, और लोग कहते थे कि ये जो है कि नहीं दूसरे किस्म के वो विश्वकर्मा नहीं होंगे, वो तमाम प्रकार की बातें बोलते थे। तो आप लोगों के साथ सच्चाई जो दिखा था हमको दिखा रहे हैं कि चाचा जी वाकई में यह विश्वकर्मा बढ़ई हैं, जो पहले की लकड़ीहारा का काम करते थे, और आज जो क्योंकि आज नहीं अब बहुत पहले से आप गा रहे हैं ना? हाँ बहुत पहले से, जब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कि कोई बढ़ई का काम नहीं करता था, तो हमारा जो है कि पुरनिया सब आज जो कि चौथा पांचवा पुश्त हो गया, कि जो कि बहुत दिन हो गया ये सब जो है कि कहीं से आकर जो है कि बम्बई थे, लेकिन बम्बई से यहाँ पर आ गए। तो चाचा जी ने बताया कि यह बम्बई में थे और बम्बई से आकर यहाँ पे बस गए, और इन लोगों का कलाकार जो है कलाकारी की वजह से चाचा जी वो बढ़ाई वाला काम छोड़ दिए और गायकी वाला कार्यक्रम चलता रहा, जो कि भाई देखिए कला है, कला है आदमी के पास चाहे जो काम करेगा। कला के देखिए दुनिया में कोई भी हो, कोई भी कलाकार हो, अगर जो चाहेगा कला को खरीदने के लिए तो कोई खरीद नहीं सकता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, कला कोई खरीद नहीं सकता है, पढ़ेंगे आप तो बढ़ेंगे आप। हाँ यही बात, घर में हिस्सा कसी कोई कर सकता है लेकिन पढ़ाई में नहीं कर सकता, कलाकारी में नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं बता दूं, मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, लेकिन देखिए कला है इनके अंदर, रागिनी विश्वकर्मा के अंदर कला है, आंचल विश्वकर्मा मतलब इनके पूरे घर के अंदर जो है सब कलाकार, सब कलाकार हैं। इसीलिए मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, जो कि तरकुलहा मंदिर के सटे उत्तर साइड में इन लोगों का मकान है, देवीपुर गांव होता है ना, देवीपुर में। सो दोस्तों दिखाते हैं आप सभी को, और अभी तो नहीं दिखाएंगे चूँकि चाची जी मैनेज कर रही हैं कुछ, और बने रहिए हमारे वीडियो में। ओके बाय बाय, चाचा जी नमस्ते प्रणाम, बाय बाय कर दीजिए, कह दीजिए हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लें। हाँ सब्सक्राइब कीजिए, इनका बढ़ंती कीजिए, जैसे रागिनी विश्वकर्मा वैसे इनका भी कीजिए। तो दोस्तों बाय बाय।